राम राम दोस्तों, साला सर ट्रैक्टर टर्बो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप भैया ने दिखावांगे न्यू ओलैंड 7500। तो यहाँ अपने ताऊ जी ने इस ट्रैक्टर में टर्बो लगवाई है और टर्बो की फिटिंग भी दिखावांगे और अपने ताऊ जी तो बात भी करांगे। भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर होने के बाद भी टर्बो लगवाने का क्या कारण रहे? तो यहाँ अपने ताऊ जी हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। अपना दर्शकों को राम राम। राम राम जी। अपना नाम गांव बताना जी। मेरा नाम वजीर सिंह, गांव जुआ, जिला सोनीपत। जिला सोनीपत है। अच्छा तो ताऊ जी यो ट्रैक्टर क्या मॉडल है आपका? यो ट्रैक्टर 10 मॉडल है, 10 के लास्ट का। 9 के लास्ट का जी। अच्छा तो जिस तरह आपने टर्बो लगवाने का के कुछ विचार आया, के कारण विचार आया? एक शौक था या फिर आपके कोई दबके ना चला था उस चक्कर में लगवाई आपने? अच्छा शौक भी था और बहुत भाइयों से इसमें देखा था, सुना था यूट्यूब पे टर्बो लगवाने से डीजल कम लगता है और परफॉर्मेंस अच्छी देगा। परफॉर्मेंस अच्छी देगा। आपका गाँव में जिस तरह दो ट्रैक्टर मतलब के भी जारी है, स्वराज मतलब के जारी है, नहीं जाना है तो उनका के कुछ रिजल्ट रहे? रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो आपने उस चक्कर में इसमें भी आपने भी सोच विचार आया गया? हाँ भाई मैं भी लगवाऊँ इसमें। तो आप जिस तरह हूँ तो 75 HP ट्रैक्टर है। हाँ जी। तो आप एप्लीमेंट के क्या है इसके? 9 के एरो चलाते हैं जी और 13 फाड़ा के टीलर, 8 फुटा रोटावेटर। अच्छा तो ट्रैक्टर ने तो देखे तो देखे था, एप्लीमेंट तो छोटा है। हाँ जी। है नी? हाँ जी। तो जिस तरह आप बड़े के कारण नहीं लेंगे? हाँ भाई जिस तरह आने जाने में दिक्कत हो है या फिर जिस तरह किसी खेत में बांध जाना है, गोर छोटी है या किस तरह? हाँ वो रास्ते की प्रॉब्लम है। रास्ते की प्रॉब्लम है जी भैया। तो इम्प्लीमेंट रास्ते में जाने में असुविधा कर। हाँ असुविधा करे हैं और जिस तरह छोटा एप्लीमेंट है आराम तो निकल गया है, यह बात है। फिर इसको सेकंड गियर में चलाते हैं हम कंटिन्यू, पहला गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा दूसरा गियर में चलाओ आप कंटिन्यू इसमें। अच्छा हाँ ट्रैक्टर बड़ा हो गया तो पहला गियर लाने की। हाँ हाँ। और एवरेज के कुछ है था इसकी? एवरेज जिस यार मैं इनके चल रहा हूँ ट्रैक्टर का मुकाबले 55 HP का, 50 HP का, कोई 60 HP का हो। प्लस डीजल है जी। अच्छा यू एरो का है? एरो का। किल्ला का 3+ ले लिया? 3+ ले। अच्छा और तो आपने एक बार फिटिंग दिखाओ यहाँ, आपने ताऊ जी ने बताया। हाँ भाई जो भी साथ साथ जुताई भी गहरी करते हैं हम। हाँ बड़ा ट्रैक्टर हो गया नहीं फिर तो। हाँ हाँ वो 3 साल में खोल रहे होंगे, चौथे या 5 मिनट। हाँ फिर वो दूसरा वाला काम एक सरे में कर दिया है। हाँ, हाँ, दूसर करने की जरूरत नहीं, बार बार तेल फूकने की जरूरत नहीं, वो एक सरे में काम कर दिया है। हाँ ठीक है ताऊ जी। तो दोस्तों आपने ये ताऊ जी ने बताया हाँ भाई इस कारण टर्बो लगवाई है और आप भाई ने एक बार बोन नट है कि ना भी दिखावाएंगे टर्बो की फिटिंग दिखावाएंगे। और ट्रैक्टर भी जो आपने ताऊ जी ने बहुत देखभाल के ना संभाल के ना रख रखे, कोई सी कितने भी ट्रैक्टर में कितने घर नुकैंड वाली बात नहीं है भाई, कोई टचिंग या पचिंग है, बहुत देखभाल के ना रख रखे। और ये वाली इसकी टर्बो की फिटिंग है आपने देखी होगी, ये इसका अपना एयर फिल्टर का होस पाइप है और वो एयर टर्बो एयर देवा इंजन को वो बड़ा इनलाइट मैनिफोल्ड में गया हुआ उस पाइप है। और आप भाई ने एक बार चारों तरफ तो टर्बो ट्रैक्टर की भी ट्रैक्टर की वो दिखावांगे, लुक दिखावांगे हाँ भाई कितना स्मार्ट क्या रख रखे। और ये टर्बो भी देखिए आपने और इसका में जो पिछला टायर है कहेगा था वो 18430 का। हाँ जी 18430 का टायर है और 80 किलो का एक वेट है इस पर। खुद ही ओलैंड का ही है? तो ये कंपनी फिटिंग हो रही है, 80 kg लिख भी रखे इस पर और 18430 का टायर है इसका। और मेन बात तो यह है भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर, कोई भी कितने भी गढ़ाई नहीं है, कितने भी मरगाड़ा का नीचे, मेन बात तो यह है बढ़िया हुआ है। तो दोस्तों इस साइड का भी ये देखे आपने नीचे था और ट्रैक्टर बिल्कुल साइम के ना रख रखे और कई घंटे चल रहा है भाई, दिखावा एक बार। 10,800 तो आपने नया लिया था? बिल्कुल नया जी। 10,830 घंटे चला रखे है जेन्युइन। तो दोस्तों यहाँ अपने ये ट्रैक्टर था और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे कोई नेक्स्ट और वीडियो में।